हाँ दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और ये है सैमसंग एक्सी डिवाइस। दोस्तों अगर आप लोगों के पास सैमसंग S21, S22, S23 या फिर S24 डिवाइस है तो लगभग सभी डिवाइस में सैमसंग की डिवाइस में जुलाई का अपडेट आ चुका है। आफ्टर अपडेट के बाद क्या क्या न्यू चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, हम सब कुछ बात करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड इसके अलावा अगर आप लोगों के मन में ये डाउट चल रहा है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि आफ्टर अपडेट के बाद ग्रीन लाइन का इशू आजकल बहुत चल रहा है, क्या वो आता है या फिर नहीं आता है, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा कि आएगा या नहीं आएगा और आखिर ये क्यों आ जाता है इसके भी मैं आपको वजह बताऊंगा और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, मतलब ये प्रॉब्लम ना आए ग्रीन लाइन वगैरह की या फिर कोई और प्रॉब्लम ना आए आफ्टर अपडेट के बाद, तो आपको क्या करना चाहिए अपडेट करते टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि आपको इसी तरीके की और वीडियो लेटेस्ट अपडेट की वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। देखिए सबसे पहले आपको जाना है अपने फोन की सेटिंग में। देखिए आपके पास कोई सा भी सैमसंग का फोन हो, सेटिंग में जाइएगा और यहाँ पर आपको चेक करना है सॉफ्टवेयर अपडेट। तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों जरूरी होता है, वो अभी आपको पता चल जाएगा। अपडेट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपडेट नहीं करते हो अपने डिवाइस को तो इससे भाई आपका फ़ोन जो है वो हैक होने का भी खतरा रहता है। अपडेट के बाद आपकी फ़ोन की जो सिक्योरिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है एंड कोई बग्स होता है उसको फिक्स कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे, क्लिक करेंगे हम सॉफ्टवेयर अपडेट पर एंड अपडेट पर क्लिक करने के बाद आप जैसे क्लिक करोगे ऊपर डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर आप लोग सॉफ्टवेयर अपडेट अपडेट योर फोन। तो यहाँ पर कुछ जानकारी इंफॉर्मेशन जो है वो मेंशन की गई है, जैसे कि देख सकते हो द डिवाइस इज प्रोटेक्टेड विथ इम्प्रूव सिक्योरिटी आफ्टर अपडेटिंग। मतलब यहाँ पर मेंशन किया हुआ कि आफ्टर अपडेटिंग के बाद आपकी डिवाइस प्रोटेक्ट हो जाएगी एंड इसके अलावा जो सिक्योरिटी है वो और भी ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। यू विल नॉट बी एबल टू डाउनग्रेड टू द ओल्ड सॉफ्टवेयर। देखिए एक बात और भी है कि आप अगर अपडेट कर लेते हो अपने फ़ोन को तो उसके बाद आप उसको डाउनग्रेड नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पे देखिए डिवाइस स्टेबिलिटी इम्प्रूव बग फिक्स न्यू एंड इनहेंस फीचर्स। तो यहाँ पर आपकी डिवाइस की स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर दी जाएगी। अब देखिए अपडेट आपके सैमसंग फोन में, अब मान लीजिए आपके पास S21, S22 है, S23 है, S24 है, तो आपके अपडेट जो साइज है वो अलग हो सकता है। जैसे कि अभी अपने हाल ही में कुछ एक दो दिन पहले मैंने अपडेट यहाँ पर वीडियो डाला S21 का, जिसमें अपडेट का साइज था 200 कुछ MB, बट यहाँ पे 538 MB यानी कि 538 MB का अपडेट है क्योंकि S24 डिवाइस है। अब S23, S22 वाले में या फिर S21 वालों में अलग अपडेट साइज हो सकता है, बट यहाँ पर ये सिक्योरिटी पैच लेवल का अपडेट है तो सारी जो चीज़ें होती हैं वो सेम होती हैं। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको डाउनलोड। आप बात करते हैं डाउनलोड करते समय क्या बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। तो देखिए कभी भी आपको अपना फ़ोन जो है ना वो यहाँ पर कम बैटरी, जैसे कि यहाँ पर देखिए मेरे फ़ोन की जो बैटरी अभी वो कम है तो इसको अभी मैं अपडेट नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए कम से कम आपके फ़ोन की जो बैटरी है भाई वो 40% तो होना ही चाहिए। क्या होता है कि दोस्तों अगर आप 10% पे मान लीजिए अपने फ़ोन को इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं फिर इंस्टॉल करते हैं, तो ऐसे में अगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ मान लीजिए हो जाता है और नहीं फिर ओपन हो तो इसमें कुछ मतलब प्रॉब्लम्स फिर आ सकती हैं, ठीक है, मतलब ये चीज़ नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पर देखिए फ़ोन आपका हीट नहीं करना चाहिए, मतलब जब भी आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं तो फ़ोन हीट नहीं होना चाहिए। फ़ोन को पहले 10 मिनट के लिए रख दीजिए, मान लीजिए आप यूज़ करके आ रहे हैं फ़ोन को हीट कर रहा है तो रख दीजिए, उसके बाद आराम से 10 मिनट बाद फ़ोन को अपडेट करिए एंड इसके बाद अपने सॉफ्टवेयर को यहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिए। एंड बात करते हैं दोस्तों क्या फीचर्स होंगे। तो देखिए फीचर्स कोई भी यहाँ पर न्यू देखने को नहीं मिलते, बस कुछ इंप्रूवमेंट्स हो जाती हैं, सिक्योरिटी को अपडेट कर दिया जाता है एंड इसके अलावा ये सिक्योरिटी पैच लेवल का अपडेट है, क्योंकि दोस्तों ये बीटा अपडेट नहीं है। बीटा अपडेट 1.7 का जैसे ही आएगा मैं उसका वीडियो बना दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो ताकि जब भी बीटा अपडेट का कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है तो उसका अपडेट आपको मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।